वैसे चू साहब नहीं मान रहे, एफआईआर काट दी है उसने। क्या मतलब है नहीं मान रहा? आपने ऑफर नहीं की क्या? सुल्तान शुक्र है आप आ गए, मुझे यहां से बाहर निकाले हैं। इतना आसान नहीं है। क्या मतलब आसान नहीं है? आपने इंस्पेक्टर से बात नहीं की? बात की है तो वहां गए क्यों थे? वो जन्नत की शादी कर रहे थे और जन्नत की शादी मेरे अलावा किसी और के साथ हो नहीं सकती। देखो बेटा, तुम्हारी दखल अंदाजी बहुत बढ़ती चली जा रही है और मेरी पुपी पे से बिल्कुल कोई असर नहीं होगा। ये मेरा मसला है। यहां से निकलने के बाद खुद हैंडी करूंगा। इस वक्त मुझे यहां गर्मी लग रही है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे निकालें बाहर। वैसे चू साहब नहीं मान रहे, एफआईआर काट दी है उसने। क्या मतलब है नहीं मान रहा? आपने ऑफर नहीं की क्या? तुम चाहते हो कि रिश्वत की ऑफर करके मैं भी तुम्हारी तरह यहां बंद हो जाऊं? ये चाहते हो तुम? जो चाहता हूं वो यहां से निकलने के बाद करूंगा। बर्दाश्त कर। नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त, आप जानते हो अच्छी तरीके से। तुमको इस हाल तक तुम्हारी हरकतों नहीं पहुंचा है। मुझे बातें सुनाने के लिए आए या मुझे यहां से बाहर निकालने के लिए? बेटा मैं कर रहा हूं ना कोशिश। हेलो, कहाँ है सुल्तान? उसे साथ नहीं लेकर आए? क्या हुआ था? क्यों बंद किया था उसे थाने? पुप्पी के घर जाकर गुंडागर्दी कर रहा था। उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे बेटे को थाने में बंद करवा दिया। अब गए क्यों नहीं वहां पर? पूछना था ना जाके उनसे। गया था मैं वहां, उनसे बात भी की। जब मेरी बात नहीं सुनेगी तो मिन्नतें भी की। नहीं भाई, उनको तो दिमाग बहुत ऊंचे है, किसी तरह से केस वापस लेने को तैयार ही नहीं हो रहे। अरे ऐसे कैसे केस वापस नहीं लेंगी? मैं खुद जाती हूँ, अभी देख लेती हूँ सबको। रिलैक्स, तुम जाओगी तो मामला तो और खराब हो जाएंगे। हमारा बेटा जल्दी फिर घर वापस नहीं आ सकेगा। इश्क बेपरवाह, पीर और मंगल, रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।